सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बाल तस्करी रोकने के लिए राज्य के गांव में महिला एसपीओ की नियुक्ति की जाएगी। वही गांव के बच्चों पर नजर रखने के साथ तस्करों पर नजर रखेगी। यदि बच्चों की तस्करी का प्रयास हो रहा हो तो वह संबंधित अधिकारी और पुलिस को सूचना देगी ताकि तस्करी करने वालों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जा सके। सीएम ने यह बातें रविवार को झालसा की ओर से कोविड में अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट शिशु के लॉन्चिंग कार्यक्रम में कही। वर्चुअल सेमिनार में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन, झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के साथ जिलों के एसपी व अन्य अधिकारी मौजूद थे। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने झालसा ने अब तक 208 बच्चों को प्रोजेक्ट शिशु के तहत लाभ देते हुए इस प्रोजेक्ट से जोड़ा है। 200 और बच्चों को चिन्हित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा, पारिवारिक माहौल देना है। अनाथ बच्चों को पहले उनके रिश्तेदारों के पास रखने का प्रयास होता है। यदि कोई रिश्तेदार ना हो तो उन्हें गोद दिया जाता है। ऐसे बच्चों का संपूर्ण विकास के साथ उनकी मॉनिटरिंग भी की जाती है और समय समय पर सरकारी अधिकारी और डालसा के लोग जाकर बच्चों से मिलते भी है। झारखंड हाईकोर्ट के जज और हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में 234 बच्चे कोरोना काल में अनाथ हुए हैं। इन बच्चों की ट्रैफिकिंग ना हो इसके लिए सतर्क होना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पीएम केयर ऑफ चिल्ड्रन स्कीम लॉन्च की है। इसमें अनाथ हुए बच्चों को 10 लाख रुपए तक का लाभ दिए जाने का प्रावधान है। बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान भी रखना होगा उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना हो।